हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा पांच के विषय गणित के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है तो शुरू करते हैं क्वेश्चन वन है चित्र में दिए गए श्यामपट का प्रत्येक कोना सम कोण है सम कोण में का कोण होता है तो बच्चों आप देख सकते हैं इस श्यामपट में ये जो है चारों कोने पर सम कोण है इट मीन्स नाइन्टी डिग्री का कौन है तो बच्चों समकोण जो है वो कितने डिग्री का होता है नाइन्टी डिग्री का तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है नाइन्टी डिग्री अब है क्वेश्चन नंबर टू नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर वैसे ही नहीं पढ़ा जाएगा तो बच्चों फर्स्ट है मून मून को बच्चे जब हम इस तरीके से आधा घुमाएंगे तो किस तरीके से पढ़ा जाएगा एन ओ ओ ओ ओ डब्ल्यू नेक्स्ट है नून तो बच्चों नून भी जब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे तो इसे हम नून ही पढ़ेंगे एम ओ डब्ल्यू जब हम इसे पढ़ेंगे बच्चों आधा घुमाने पर तो ये एम ओ डब्ल्यू ही रहेगा नेक्स्ट है एस आई आई एस तो बच्चे जब हम इसे आधा घुमाएंगे तो ये भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा जाएगा तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गलत है तो इस पर निशान लगाएंगे नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति को देखकर बताइए कि भरा यानी कि नीला हुआ भाग पूरी आकृति का कितना भाग है तो बच्चों यहाँ पर कितने कॉलम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इट मींस यहाँ पर ऑप्शन है एक दसवां एक दहाई एक हजारवा एक सौवा तो बच्चों आकृति में दस भाग हैं तो इसका जो है एक दसवा भाग जो है वो भरा हुआ है अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पैटर्न के अनुसार आखिरी बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी तो बच्चों देखिए यहाँ पर एफ़ पहले सीधा है फिर थोड़ा सा साइड में है फिर बच्चों राइट में है फिर थोड़ा नीचे है उसके बाद बच्चों नीचे आएगा बिल्कुल नीचे इस तरीके से तो इसमें जो बच्चों थर्ड ऑप्शन है ये सही है इसका जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो ये होगा अब है बच्चों नेक्स्ट राजू ने दुकानदार से उपरोक्त बोर्ड देखकर एक किलोग्राम गाजर एक किलोग्राम आलू आधा किलोग्राम लौकी और आधा किलोग्राम टमाटर खरीदे वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगा तो बच्चों एक किलोग्राम उसने गाजर खरीदी गाजर कितने रुपए किलो है अठारह तो अट्ठारह रुपये की गाजर एक किलोग्राम आलू तो आलू हैं दस रुपये किलो तो दस रुपये के आलू आधा किलो लौकी लौकी है आठ रुपए किलो तो आधा किलो कितने की हुई चार रुपये की तो चार की उसने लौकी खरीदी आधा किलो टमाटर टमाटर हैं बारह रुपए किलो तो बच्चों आधा किलो टमाटर कितने के हुए छः रुपये के तो यहाँ पर छः रुपये लिखेंगे अब बच्चों इन्हें हम जोड़ लेंगे छः और चार दस दस में दस प्लस करेंगे कितने हुए बीस बीस में बच्चों अट्ठारह प्लस करेंगे तो कितने हो गए अड़तीस इट मीन्स कुल रुपये कितने हो गए थर्टी एट अब ऑप्शन है यहाँ पर थर्टी सिक्स फोर्टी एट थर्टी एट फोर्टी तो बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन सही है वह दुकानदार को थर्टी एट रुपये देगा अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है को उस दिशा में एक चौथाई घुमाने पर यह कैसा दिखेगा तो बच्चों घड़ी की सुई जो है वो इस तरीके से घूमती है अब बच्चों यहाँ पर ये जो है एरो इस तरीके से है अब हमें यह दिखाना है कि एक चौथाई में ये किस तरीके से दिखेगा तो जब बच्चों इसे हम एक चौथाई घुमाएंगे तो कहाँ आएगी नीचे आ जाएगी एक चौथाई पर तो बच्चे इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है इस पर निशान लगाएंगे अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स प्लस थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव प्लस सेवन हंड्रेड सिक्सटी थ्री बच्चों इन्हें प्लस करने पर कितना आंसर आएगा ऑप्शन है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर तो बच्चों यहाँ पर हम प्लस करेंगे फाइव और सिक्स इलेवन और थ्री फोरटीन फोर्टीन का फोर कैरी वन सिक्स और फोर टेन और फाइव फिफ्टीन और वन प्लस करेंगे कितने हो गए सिक्सटीन का सिक्स लिखेंगे कैरी वन थ्री और टू फाइव और सेवन ट्वेल्व और वन इसे प्लस कर लेंगे कितने हो गए थर्टीन इट मीन्स आंसर क्या है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर तो बच्चों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है इस पर निशान लगाएंगे अब है क्वेश्चन नंबर एट कमला के पास एक गाय है जिसका दूध वह सौ रुपये प्रति लीटर बेचती है उसकी गाय रोजाना पाँच लीटर दूध देती है तो बताइए मार्च महीने में सारा दूध बेचकर कमला कितने रुपए कमाएगी बच्चों एक लीटर दूध की कीमत है सौ रुपये एक दिन के दूध की कीमत कितनी हुई क्योंकि दूध देती है गाय उसकी एक दिन में पाँच लीटर तो बच्चों पाँच को हम सौ से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीनस पाँच सौ रुपये तो एक दिन में वह पाँच सौ रुपये का दूध देती है मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं इकतीस दिन तो बच्चों हम क्या करेंगे इकतीस को पाँच सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आता है पंद्रह हजार पाँच सौ इट मीन्स वह एक महीने में पंद्रह हजार पाँच सौ रुपये कमाएगी तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है इस पर निशान लगाएंगे अब है क्वेश्चन नंबर नाइन ईशा के पास एक हज़ार दस रुपये हैं वह अपनी कार के लिए पेट्रोल खरीदना चाहती है ईशा पेट्रोल पंप से एक सौ एक प्रति लीटर की दर से कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है तो बच्चों हम क्या करेंगे इसके लिए उसके पास रुपए हैं एक हजार दस और पेट्रोल है एक सौ एक रुपए प्रति लीटर तो बच्चों हम एक सौ एक से एक हजार दस को डिवाइड कर देंगे तो बच्चों डिवाइड करने पर कितना आंसर आता है दस, वह इतने में दस लीटर पेट्रोल खरीद सकती है अब बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन रमेश के पास एक लीटर का एक मापक बर्तन है यानी कि मापने का वह निम्न में से उसमें कौन सी चीज को माप सकता है तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है आलू टमाटर दूध करेला तो बच्चों लीटर में हम किसको माप सकते हैं केवल दूध को क्योंकि बच्चों आलू टमाटर और करेला जो है इन्हें हम किलो में मापते हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन सरिता के पास अट्ठारह चूड़ियाँ हैं वह उन्हें विभिन्न समूह बनाकर रखने की कोशिश कर रही है बिना किसी भी चूड़ी को छोड़े वह किस समूह में नहीं बना पाएगी बच्चों यहाँ पर फर्स्ट है टू तो यदि वह दो के समूह में बनाएगी तो उसके कितने समूह बनेंगे नौ समूह बनेंगे और एक भी चूड़ी नहीं बचेगी टू इंटू नाइन इक्वल एटीन इट मीन्स नौ बनेंगे और अट्ठारह चूड़ियाँ हैं और एक भी बचेगी नहीं नेक्स्ट है यदि वे थ्री का समूह बनाएगी तो बच्चों कितने बनेंगे छ बनेंगे तीन तीन चूड़ियों के समूह नेक्स्ट है छः तो बच्चों अगर वह छः चूड़ियों के समूह बनाएगी तो उसके तीन समूह बनेंगे छः छः चूड़ियों के नेक्स्ट है चार बच्चों यदि वे चार के समूह बनाती है तो बच्चों चार के जो है उसके समूह जो है पूरे नहीं बनेंगे क्योंकि चार के समूह बनाने पर उसकी जो चूड़ियां हैं वो बच जाएंगी या फिर जो समूह है वो पूरा नहीं होगा तो बच्चों इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही है अब है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक बगीचे से कुछ बच्चों ने फूल चुने हैं उनके द्वारा चुने हुए फूलों का चित्रलेख को ध्यानपूर्वक देख कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए बच्चों एक जो फूल है वो दो को रिप्रेजेंट करता है तनिष्क ने फूल चुने हैं फाइव इट मीन्स उसने टेन फूल चुने हैं फाइव इंटू टू इक्वल टेन नेक्स्ट है सुमित सुमित ने बच्चों कितने फूल चुने हैं नौ तो बच्चे नौ को हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रत्येक जो फूल है वो दो को रिप्रेजेंट करता है तो उसने एट्टीन फूल चुने हैं नेक्स्ट है सालू सालू ने यहाँ पर तीन फूल दिखाए गए हैं इट मीन्स उसने सिक्स फूल चुने हैं सोनल ने सोनल ने बच्चों यहाँ पर सेवन फूल हैं तो उसने फोर्टीन फूल चुने हैं दिव्यम ने एट फूल चुने हैं और भव्यम ने बाईस फूल चुने हैं इट मीन्स यहाँ पर ग्यारह हैं तो हम टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए ट्वेंटी टू तो उसने बाईस फूल चुने हैं अब बच्चों यहाँ पर हमें बताना है सालू ने कितने फूल चुने हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए सालू ने कितने फूल चुने हैं सिक्स फूल चुने हैं तो बच्चे इसके फर्स्ट ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है तनिष्क के पास भव्यम से कितने कम फूल है। हैं तनिष्क के यहाँ दस हैं और भव्यम के बाईस हैं तो हम बाईस में से दस को माइनस करेंगे तो भव्यम के पास तनिष्क से बारह फूल ज्यादा हैं इट मीन्स तनिष्क के पास भव्यम से बारह फूल कम हैं तो इसके थर्ड ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आकृति कै का परिमाप आकृति कै से कितना ज्यादा है तो बच्चों यहाँ पर देखिए आकृति है इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो चार सेंटीमीटर की हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों फ़ोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर फोर जार कितना होता है सिक्सटीन तो इसका जो परिमाप है वो है सिक्सटीन सेंटीमीटर अब बच्चों देखते हैं आकृति है इसका बच्चों जो लंबाई है वो है तीन सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है दो सेंटीमीटर परिमाप कैसे निकालते हैं लंबाई और चौड़ाई को प्लस करेंगे इट मीन्स तीन और दो कितने होते हैं पाँच अब पाँच को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया दस तो इसका परिमाप है बच्चों दस सेंटीमीटर तो बच्चों आकृति के इसका जो परिमाप है वो है सोलह सेंटीमीटर और आकृति खै का कितना है दस सेंटीमीटर तो सोलह सेंटीमीटर में से हम दस सेंटीमीटर को माइनस से करेंगे कितना बचेगा छः तो आकृति के और खै के परिमाप में कितना अंतर है तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पाँच सेंटीमीटर छः सेंटीमीटर आठ सेंटीमीटर और सात सेंटीमीटर तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कितने सेंटीमीटर का अंतर है छह सेंटीमीटर का अंतर तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है इस पर निशान लगाएंगे बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू